Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So, बहुत दिन के बाद आज vlogging कर रही हूँ just because of my babies. क्योंकि ये दोनों की देख रहे हैं ये कितना cough and cold हुआ है and मेरा छोटू मुझे देख रहा है अभी बैठ के कि what mama is talking about and I love his smile very much. So, yeah. So, yeah, here he is. तो मैं यही बता रही थी सबसे ना आप लोगों से कि इन लोगों की मतलब काफी टाइम से इधर बहुत ज्यादा ही तबीयत तो बस यही था कि मतलब बीच में अभी मतलब मैंने ब्लॉग इस वजह से नहीं डाल पा रही थी और मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि खिजर गिर गया था और उसको बहुत ज़्यादा ही चोट आ गई थी उसके लिप्स पे. और अशर मैं बस यही बता रही थी कि खिजर गिर गए थे और उनको यहाँ पर बिल्कुल लिप्स पे मतलब जो हमारी सेंटर टेबल है जो सोफे की मतलब मेरी बड़ी अम्मी के वहाँ की तो वो उसी पता नहीं वो क्या कर रहा था और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और वो अचानक से गिर गया और उसको बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई थी और अंदर उसका मसूड़ा भी एकदम यू नो गड्ढा हो गया था तो इसी वजह से बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो पेनफुल था. और जैसे कि आप सब जान सकते हैं एक माँ के लिए अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखना सबसे ज़्यादा पेन मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल वही चीज़ होती है. तो और मतलब तो बस यही था कि इसके बहुत ज़्यादा ही चोट थी और जिसकी वजह से मतलब मैं रेगुलर नहीं हो पाई और मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की. हाँ एक दो वीडियोस की थी बट वो भी मैं पूरी नहीं कर पाई हूँ तो मैंने इसी वजह से ब्लॉग नहीं डाला है अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है. तो मैं अभी मैं जा रही थी शाम का वक्त है अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए चाय बनाने और ये यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और खिजर हैफा एंड अशर दे ऑल आर एंजॉइंग एंड दे आर प्लेइंग. और अभी सब सो के उठे हैं क्योंकि शाम का टाइम है शाम में सब सोते हैं थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेते हैं. अभी देख रहे हैं बिस्तर वगैरह सब इस तरीके से फैला हुआ है ब्लैंकेट वगैरह क्योंकि विंटर्स का एक यू नो एक वो आगाज हो चुका है मतलब एक जो ठंडा एक मौसम जो एक वो होता है ना तो उसकी वजह से मतलब वो चीज़ एक हो चुकी है तो फिर उसी की वजह से ब्लैंकेट हमको डालना पड़ता है. और बच्चे मतलब आशर और खिजर दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे अभी उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हुआ था तो मतलब बच्चों के साथ देखिए एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ इट्स माय ओपिनियन. तो मतलब बट नॉट मोर देन योर चाइल्ड है ना बट नॉट मोर देन योर चाइल्ड. तो मेरे लिए सब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ अपने बच्चों के लिए तो बस मैंने अपने बच्चों की वजह से अभी ब्लॉगिंग नहीं की. मैं ब्लॉगिंग को कोई भी यू नो मतलब एक फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही हूँ बट मतलब अपने बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा डीले कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और अभी क्योंकि स्टार्टिंग अशर का तो मतलब फर्स्ट विंटर है तो इनको तो बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अभी ये यू नो क्रॉल कर रहे हैं अभी ये चल रहे हैं धीरे धीरे क्रॉल करना सीख रहे हैं तो उसकी वजह से तो वही मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मेरी फैमिली है जो मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब प्यार करती है हर वक्त जो मतलब मुझे सपोर्ट करती है तो मुझे अपनी चीज़ों को उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए क्योंकि क्या मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और मैं इस वक्त किस सिचुएशन में हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी एक हिंट आप लोगों को दे दूँ एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मैं मतलब मैंने पहले भी बोला है मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं वीडियोस को अपनी ब्लॉगिंग को अपने चैनल को फॉर ग्रांटेड कभी भी नहीं लेती हूँ और ना ही लूँगी इंशाल्लाह. और बस बच्चे बीमार होते हैं ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है और तो बस बच्चों को ही टाइम दे रही थी बट इंशाल्लाह अभी शेयर करूँगी. और अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपने रूम की क्लीनिंग करने और क्लीनिंग करने के बाद मैं आप लोगों के साथ किचन में
शेयर करती हूँ चाय और मैगी की रेसिपी, मतलब बहुत इंस्टेंट वाली बनाने जा रही हूँ क्योंकि हैफा को और खिजर को मैगी खानी है। सो मिलते हैं। रूम पूरा क्लीन हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं किचन में। इसको मैंने वॉकर पे डाल दिया था क्योंकि ये बहुत, जब से मतलब यू नो क्रॉल करने लगा है ना तो बहुत डर लगता है कि ये कहीं गिर ना जाए या व्हाटएवर कुछ भी, मतलब कुछ लग जाए उसके। तो फिर मैं इसको ऐसे यू नो इसको वॉकर में ही डाल देती हूँ तो फिर ये ईजिली अपना इधर से उधर अपना यू नो घूमते रहते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने ये राइटिंग बोर्ड, तो ये मैंने खिजर के लिए लिया है क्योंकि अब खिजर का हम लोगों को एडमिशन करवाना है और इसी वजह से उनका यू नो मतलब उनको थोड़ा बहुत लिखना सिखा रही हूँ, ABCD एंड ऑल जो भी मतलब, तो वही सब चीज़ें हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं जा रही हूँ आगे देखा। यहाँ पर मैंने चिकन रखा हुआ है और कीमा है और अब देखते हैं अभी हम लोग क्या बनाएंगे खाने में। तो चलिए मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। तो गाइस अभी चाय देखिए बन गई है और मैं जा रही हूँ चाय एंजॉय करने। अगर पॉसिबल हो पाया तो ये जो मील रखी हुई है मतलब डिनर की, अगर पॉसिबल हो पाया तो इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और नहीं हो पाया तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए चार टमाटर एंड वन मिर्च काट के डाल दी है और ये इंस्टेंट मैगी जल्दी वाली और मेरे बच्चों को ये वाली मैगी बन गई इंस्टेंट वाली। अगर आप लोग जो है वेजी लवर हैं तो फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं ना, आप नॉर्मल बस बॉइल करें और मसाला डालें और बना दें।
ऊपर से पकते हुए अच्छे से, और इसमें आप ऐड करते पिंच ऑफ सॉल्ट, लिटल पिंच, हल्की सी प्याज को इस तरीके से जला ले। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर, एंड नाउ आई एम एडिंग मैगी मसाला। If you don't want to add salt, then you can add another मैगी मसाला, एक मिनट मैगी मसाला जो खुला वाला मिलता है वो भी ऐड कर सकते हो आप लोग। और उसके बाद आई एम एडिंग द मैगी, और उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट थोड़ा सा वो स्पाइसी होता है, तो ऑलरेडी आपने इसमें मिर्च डाली हुई है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। हाँ, टेस्ट वाइज अगर आपको चाहिए तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और इसको अच्छे से पकने देंगे, बॉइल होने देंगे। देखिए देखते देखते ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर बन जाएगा, और बहुत अच्छी मैगी लगती है खाने में। आपको पूरा पानी इसका सॉटे कर देना, मतलब पूरा पानी इसका जला देना है, ऐसे सॉटे करते करते आपको अच्छे से तब तक पकाना है जब तक कि मैगी आपकी सॉफ्ट नहीं हो जाए। धीमी आंच को नहीं पकाना है, वरना वो बहुत ज़्यादा लीक हो जाती है, उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको थोड़ा सा हाई फ्लेम में ही इसको ऐसे पकाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं भी यू नो मैगी लवर हूँ, और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी मैगी लवर हैं, तो फिर हम लोग तो डेली खाते हैं। और अगर आपके घर में वेजीज लवर्स हैं तो फिर आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजीज, शिमला मिर्च और बीन्स और कैरेट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, यू कैन ऐड ऑफ योर चॉइस, वेजीज ऑफ योर चॉइस। तो ये देखें सारा पानी जल गया, देख रहे हैं। लो द फ्लेम, तो हियर इज द फाइनल फिनिश लुक। इग्नोर द मेस गाइस, अभी मैं इसको क्लीन करूंगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ डिनर ऑलरेडी बनाने। तो या हियर इज द फाइनल फिनिश लुक ऑफ माय मैगी, होप यू लाइक इट। So if you like the videos, so don't forget to like, share and subscribe to the channel. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.